चलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बर्फी। तो ये देखिए, इस तरह से आप भी सूजी की बर्फी बनाइए और दिवाली में सबको खिलाइए। इतनी टेस्टी बनी है कि मुंह में घुल जाएगी। इस तरह से आप भी बनाइए और दोस्तों को भी खिलाइए। हेलो फ्रेंड्स, किड्स अपेक्षा ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फी। इसके लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे। इसमें हमने घी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी। पैन में हमने सूजी डाल दी है। अब इसको मीडियम आंच में धीमे धीमे से कलारिएगा। इसको इस तरह से मिक्स करते रहिए। और हाँ, गैस का फ्लेम मीडियम ही रहना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। ऐसे ऐसे धीमे आंच में इसको भूनते रहिए जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तब इसको बंद कर दीजिएगा। देखिए, इस तरह से आप इसको धीमे धीमे मीडियम साइज और इसको चलाते रहिए। अगर इसको चलाना हम बंद कर देंगे तो नीचे तले हुए ये जल जाएगा। तो इसमें इसको चलाते रहना है, इसको जलने नहीं देना है। इस तरह से आप चलाते रहिए। तो देखिए, ये हल्का हल्का सा रोस्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं। और आपके घर में जितने मेंबर हों अपने हिसाब से ले लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, आहिस्ते आहिस्ते धीमे धीमे आज में, क्योंकि गोल्डन हो गया था, धीमे धीमे से खुशबू आ रही है। ये हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे हम उतार लेते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, ठंडा होने तक रख देते हैं इसको। अब हम एक पैन में चीनी निकाल लेते हैं। चीनी अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना मीठा आपको रखना हो उस हिसाब से चीनी रख सकते हैं आप। बर्फी किसी को कम मीठी अच्छी लगती है, किसी को ज़्यादा, तो क्वालिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिए। और इसमें आधा कप पानी डाल दीजिए। मेल्ट कर दीजिए इस तरह से। अब जब तक कि इसमें बबल्स ना आने लगे, इसमें ऐसे हिलाते रहिए जिससे कि चीनी नीचे चपक ना सके, नहीं तो ये जल जाएगी, इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए, पानी में बबल्स आने लगे हैं। देखिए इसमें कितने अच्छी तरह से बबल्स उठ रहे हैं, इसमें अच्छी तरह से झाग आ रहा है। और आप इसकी जब चाशनी बनाइएगा तो ज़्यादा पतली नहीं रखेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो ये देखिए, ये किस तरह से चाशनी बन गई है। इसको इस तरह से ऐसा एक तार बनना चाहिए। ये देखिए, बस ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं सूजी। अब इसको मेल्ट कर देते हैं। अब इसको मेल्ट करते रहिए जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। और इसमें हाँ, अगर आप घी ना डालें तो इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया, इसलिए मैंने इसमें घी डाला है।
ये देखिए इस तरह से चलाते रहिए। ये अच्छी तरह से जब ठीक हो जाएगी उस स्टेज पे इसको बंद कर दीजिए। अभी तो मेरी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, इसे हम अभी और पकाएंगे। ये देखिए मैंने इसे उतार लिया, अब इसे इसमें सर्व कर देते हैं जमाने के लिए नीचे। एक प्लेट में थोड़ा सा घी लेके और इसको इस तरह से प्लेट में लगा देना है, पूरे प्लेट में अच्छी तरह से फैला दीजिए, जिससे कि हम जब इसमें सूजी की बर्फी डालेंगे तो नीचे चपकेगा नहीं। इस तरह से अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसको लगा दीजिए। अब इसे हम सेट कर देते हैं इस तरह से, आप भी सेट कर दीजिए। मैंने कुछ फ्रूट्स काट लिए थे, ये ऊपर से डाल देते हैं ऐसे करके। इसे डाल दीजिए इसको और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ये चपक जाए अच्छी तरह से। धीरे धीरे से टैप कर दीजिए। अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए इसका, जिससे कि ये सेट हो जाए। हेलो गाइस, तो मेरा बर्फी सेट हो चुकी है, मैं इसे निकाल के लाया और मैंने इसमें सिल्वर पेपर लगा दिया है। अगर आपके यहाँ हो तो आप भी लगा दीजिए। ये देखिए ये मैंने सेट कर दिया इसमें, अब इसको चाकू से आप काट दीजिए। इस तरह से तो देखिए मैंने इसके सारे पीसेस कर लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे आप निकाल लीजिए सारे पीसेस। ये देखिए इधर भी दिखाती जाओ, कट करो। हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए हमारी बर्फी रेडी है, इसे हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए कितने दानेदार बनी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है, आप मुंह में डालते ही घुल जाएगी। इस तरह से आप बनाइए और इसको स्टोर करके रख भी रख सकते हैं। इस समय दिवाली आने वाली है, आप भी इसी तरह से बनाइए। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।